आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। योगी सरकार 2.0 बनने के बाद जनता को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई और भाजपा सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में छठवीं बार बजट पेश किया। इस बजट में किस तबके का फायदा हुआ और किसको कितनी सौगात मिली, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है और ये बजट नहीं, ये बंटवारा है। आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन ऑब्लिक टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित। संकल्प पत्र पूरा न किया हो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो इस छठे बजट में। प्रदेश के 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित। वह पथ क्या पथ है कुशलता क्या, जिस पर पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। यूपी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जब चमड़े के बैग की जगह टैबलेट लेकर विधानसभा सदन में प्रवेश किया तो ये देखने और सुनने वालों के लिए चर्चा का विषय बना, क्योंकि टैबलेट तक पहुंचने में यूपी के बजट को 72 साल लग गए। 6 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक सबके लिए सौगात है। इस बजट के साथ जहां भाजपा ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की कोशिश की तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों से पहले जनता को भी साधने की योगी सरकार कोशिश करती दिखी। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपना छठा और योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। इस दौरान सबसे पहले बीजेपी को दोबारा यूपी की कमान सौंपने के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद वो पिछले 5 साल के दौरान यूपी सरकार और 8 साल के दौरान की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए, जिसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सभी सेक्टरों का पिटारा खोलते हुए महिलाओं और किसानों के लिए खास सौगात दी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए 720 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। साथ ही ये भी ऐलान किया कि बहराइच और कानपुर में एटीएस सेंटर की स्थापना हो रही है। जबकि कोरोना काल में चरमराए स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की दिशा में भी यूपी सरकार ने हेल्थ सेक्टर के लिए एक बड़ा बजट दिया है। इन निवेशों से 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 3 जून को इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन गया जाएगा। अब अगर बजट पेश हुआ है तो राजनीति में गर्माहट आना भी लाजमी है और जैसे ही बजट पेश हुआ बिना देर करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया के सामने भाजपा के बजट को असफल बताते हुए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी सरकार हमेशा ही दावा करती रही कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि घोषणाओं में तो नौकरी के तमाम दावे किए जाते हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता है। जबकि इस बजट को जन आकांक्षाओं के मुताबिक बजट को अनुकूल बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह बजट अगले 5 साल के विकास का लक्ष्य दर्शा रहा है और उज्जवल भविष्य का ड्राफ्ट बजट कहा जाना चाहिए। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं,
श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और ये बजट नहीं, ये बंटवारा है। नेता विपक्ष कितना नंबर देंगे? नेता विपक्ष इस सरकार को इसलिए नंबर नहीं देंगे, जिन्होंने पिछले 5 साल का अपना संकल्प पत्र पूरा ना किया हो, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं इस छठे बजट में। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6015 लाख करोड़ रुपए के बजट को पूरे 90 मिनट में पढ़कर खत्म किया। ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट के जरिए भाजपा ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए ये साफ कर दिया कि महिलाओं और किसान को ध्यान में रखते हुए इस बड़े बजट का निर्माण किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।